हा भैया, इंदौर के पोहे। भाई ये पोहे, मतलब मैं इतना अंदर से इतनी खुशी भरी चेहरे पे दिख रही होगी, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंदौरी चटोरे। तो यार मुझे ये बात, मतलब 70-80 दिन बाद ये बात बोलने बहुत ही मजा आया और एक बार भी रीटेक नहीं लगा। एक बार भी रीटेक नहीं लगा। और आज आप दोनों सोच रहे होंगे हम दोनों साथ में कैसे, तो चीकू भैया बताओ। सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा, सबसे पहले मैंने सोचा यार आज किस चीज़ का वीडियो शूट करें, मतलब क्या रेसिपी बनाए। बट सुबह उठते से ही मैं देखता हूँ यार मिक्कू भैया मेरे घर पे आके बैठे हुए थे। यार मतलब ऐसा था कि बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि करना है करना है, कुछ तो करना है। आज एकदम से लगा कि नहीं यार, आज तो चीकू भैया के घर जाना चाहिए और एक साथ में वीडियो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम दोनों को मिले हुए और आपसे मिले हुए भी। मतलब मान के चलो अराउंड 3 महीने हो गए थे हम लोग मिले नहीं थे, सिर्फ कॉल पे बात हो रही थी जो भी हो रहा था। बिल्कुल यार, मतलब अभी हम जो है थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन करेंगे, थोड़ा सा मास्क भी पहना हुआ है। तो अब आज क्या करेंगे चीकू भैया ये बताओ सबसे पहले। अभी एक जगह जाना है, वहाँ पर जाके बताते कि वहाँ क्यों जाना था। बिल्कुल यार, चलो फिर मैं आ ही गया हूँ, तो आज कुछ अच्छा अच्छा नया नया कंटेंट भी मिलेगा और आप लोग को श्योरिटी है कि भैया व्लॉग में मजा आने वाला है और बिना स्किप करे देखना। बिल्कुल। गाइस अभी हम लोग आए हैं नमो सैंडविच पे, एक पार्सल कलेक्ट करना था हमको। और आप देख सकते हो जिस तरीके से वो सैनिटाइज करते हैं और टेम्परेचर भी चेक करते हैं, मेरे को कैसा लग रहा है यार। मतलब सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और मैं आया तो मैं भी एक सैनिटाइजर अपने साथ कैरी करके घूम रहा हूँ यार, क्योंकि अगर जैसे कुछ खाने की भी बात आती है तो सेफ्टी जरूरी है। जैसे भैया टेम्परेचर चेक करेंगे पहले अपना। ठीक है, मतलब 97.6 ठीक है ना, नॉर्मल है ना। चलो बढ़िया है, चलो फिर पार्सल कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल यार, पार्सल कलेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि उसमें क्या है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates. तो यार अब आप अगर कुछ ऑर्डर करने की इच्छा रख रहे हो, आपको लगता है कि भैया ऑर्डर कितना सेफ है, तो जैसा देख सकते हैं कि जो भैया है पहले उनका हो रहा है टेम्परेचर चेक। भैया ने भी ग्लव्स पहन रखे, बहुत अच्छी बात है ये। 97.3 भैया का टेम्परेचर 97 है वो। यहाँ भैया ऊपर दिखाओ आप जो अपनी डायरी में रिकॉर्ड लिख रहे हो। 97.3 नाम क्या भैया आपका? आशुतोष महावर। आशुतोष, मतलब आप जो ऑर्डर कर रहे हैं वो पूरी डिटेल लिखी जाती है भैया, कौन देने आया, क्या करने आया। सोशल डिस्टेंसिंग भी भैया मेंटेन करके रखना जरूरी है। तो यार मैं आ चुका हूँ अभी नमो के किचन में, ताकि आपको भी पता चले कि आप जो भी सैंडविच पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं वो कितना सेफ है, सिक्योर है, हाइजीन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो आप अगर आप कुछ मंगवाते हैं पिज़्ज़ा या सैंडविच, जो उसकी टॉपिंग है बोल सकते हैं, जैसे आप यहाँ शिमला मिर्च इकट्ठे हुए देख रहे हैं, भैया ने प्रॉपर ग्लव्स पहन रखे हैं, मास्क है, ऊपर सर पर पहन रखा है, ताकि मतलब जो हाइजीन की बात हो रही है अभी वो पूरी अश्योरिटी हो जाती है कि जो भी आप ऑर्डर करें एकदम सेफ आएगा, सिक्योर आएगा, सब फ्रेश कटा हुआ है। और जो काउंटर आप देख सकते हैं यार ये भी कितना एकदम क्लीन है। मतलब बहुत सारी जगह मैंने और तन्वी नोटिस करा है कि जो सबसे
अच्छा नहीं दिखता वो क्या yes, रहता है वो काउंटर रहता है और काउंटर यहाँ पर एकदम क्लीन है और एकदम हाइजीन का ध्यान रखा है। बिल्कुल यार, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे दिनों में, पर ठीक है कुछ नहीं कर सकते उसका, अपने को सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो नमो सैंडविच बहुत अच्छी तरीके से सेफ्टी मेजर्स ले रहा है और बस अभी अपना सैंडविच बन रहा है। और अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी भी चीज की, बहुत बड़ा मेन्यू कार्ड है नमो का, जैसा आपको पता ही, आप पुराना ब्लॉग भी देख सकते हैं अपना, तो बताओ चीकू भैया कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कर सकते हो और आपका पूरा ऑर्डर रहेगा वो कॉन्टेक्ट लेस ऑर्डर रहेगा, टेम्परेचर चेक होगा, वेल सैनिटाइज्ड ऑर्डर रहेगा, जो भी बॉक्सेस में जो भी प्रिपरेशन रहेगी, जो भी सैंडविच रहेगा, पिज्जा रहेगा, वो जो भी बॉक्सेस में रखेंगे वो वेल सैनिटाइज रहते हैं, 8 घंटे पहले सैनिटाइज कर देते हैं। और भैया यहाँ पे एक बात की अश्योरिटी और है कि आप जो खाना, जो आप सैंडविच, पिज्जा, बर्गर जो भी खा रहे हैं, कोई मॉकटेल भी अगर पी रहे हैं, तो उसमें अगर पानी का भी जो इस्तेमाल हो रहा है तो भैया वो पानी आरओ का है, मतलब जो अश्योर कर रहा है आपको कि जो पानी है वो भी एकदम पीने लायक सेफ है। Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. जैसा कि आप देख सकते भैया कि चीकू भैया जो है वो हाथ धो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाथ क्यों धो रहे हैं, तो जो बात स्टार्टिंग में कही थी एक टेक अवे पार्सल वाली, तो अगर आप चाहें तो आप भी आके अपना टेक अवे ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपना हाथ धोना पड़ेगा, खुद को सैनिटाइज करना पड़ेगा और जो आपका पार्सल है वो फिर यहाँ आके ऐसा रखा जाएगा। तो गाइस जो अपना पार्सल है वो हो चुका है रेडी। तो यार गाइस हमारा जो ऑर्डर था वो उसके अंदर क्या क्या है मेरे को? भैया जो इंदौर पिछले 3 महीने से मिस कर रहा होगा, पोहे और अपना ब्रेड बड़ा, और मीठी ब्रेड है, मतलब वो चाशनी में बढ़िया ब्रेड को करके वो जो हमने रेसिपी भी बनाई थी, बिल्कुल जो तन्मय भैया ने ब्लॉग करा है। तो अब देरी नहीं हो रही है, मतलब देरी किसी बात की कर नहीं सकते, क्योंकि जो पोहे है ना, मैं अगर आपको दिखाऊं ना आप देख के बोलोगे कि पोहे क्या फ्रेग्रेंस है यार। मतलब ये वो पोहा है जो इंदौर का स्ट्रीट वाला जो पोहे का वो आता है ना अरोमा, वो आ रहा है। और वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है भैया नमो सैंडविच पे, आपको हाइजीन की 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब पूरी कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी है, सैनिटाइज अच्छे से हो रहा है, वर्कर्स हैं सबने, पूरा स्टाफ है वो पूरा अच्छे से एकदम वेल सैनिटाइज है, और अश्योरिटी है पूरी 100% की आप जो भी खा रहे हैं वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। तो मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, ये ठंडा हो रहा है, तो मैं जल्दी से इसको खा के टेस्ट करूंगा और चीकू भैया करेंगे भैया ब्रेड बड़े को टेस्ट, और फिर देखते हैं कि मीठी ब्रेड या ब्रेड जलेबी। हाँ ब्रेड जलेबी उसको बोल सकते हैं, नमो पे बोलते हैं ब्रेड जलेबी, तो वो कौन टेस्ट करेगा वो देख। बिल्कुल आहा भैया इंदौर के पोहे। भाई ये पोहे, मतलब मैं इतना अंदर से इतनी खुशी भरी चेहरे पे दिख रही होगी, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। टेस्ट करता हूँ सबसे पहले। बिल्कुल क्या बात है, अब देख सकते हो यार पोहे, उसके ऊपर सेव, प्याज, सबने गाना सुना होगा सुकून मिला। हाँ वो एक खाके मिल रहा है। क्या बात है, मतलब मैं नमो सैंडविच का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये पोहे चालू करे और हम लोग को पोहे खाने का अवसर मिला। पोहे की रेटिंग की बात करूँ तो ये 5 out of 5 नहीं है, 10 out of 5 है। क्या बात है, मतलब पोहा इतना अच्छा है, और मतलब इतने 3 महीने बाद खा रहे हैं ना, तो उसकी जो टेस्ट है वो एकदम मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला, और अच्छा टेस्ट लग रहा होगा। बहुत अच्छा टेस्ट है यार, और हाइजीन की कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे पूरा अश्योर हूँ मैं कि ये जो बना है बहुत अच्छा बना हुआ है, बस रहा नहीं जा रहा है चीकू भैया, अब तो खाऊंगा इसको। चलो मैं फिर ब्रेड बड़ा टेस्ट करता हूँ। तो चीकू भैया क्या तुमने मेरे को बीच में पोहे खाते खाते रुकवा लिया यार? यार देखो सबसे पहले जो है ब्रेड बड़े मैंने तोड़ के रख लिए हैं और मैं ब्रेड बड़ा टेस्ट करके देखता हूँ यार, बहुत गरम गरम है। तीन महीने बाद अगर कुछ आपको ऐसा खाने को मिलेगा ना, आप समझ पाओगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम ऐसे ही खो जाते हैं भैया कुछ भी खाते हैं। तो मैं 3 चीज बोलूंगा ब्रेड बड़े के बारे में। पहली चीज नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट लेवल इसलिए क्योंकि नमो ऐसी जगह है जहां पर आपको सैंडविचेस की बहुत ज्यादा वैरायटीज मिलती है,
बट उन्होंने जो नई चीज ट्राई करी है वो है ब्रेड बड़ा और पोहे। यार ब्रेड बड़ा बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है इसलिए थोड़ा नरम हो चुका है वो, बट यार इसके अंदर का जो आलू का मसाला है ना, वो जो अपन समोसे खाते हैं ना खट्टे मीठे समोसे, वो सेम वैसे ही टेस्ट दे रहा है। और इसके साथ एक चीज और मिलती हरी मिर्ची, हरी मिर्ची मैंडेटरी, तली हुई रहती है और नमक में तली हुई रहती है। ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करूं, रेटिंग, ओवरऑल अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो दिस आल्सो गोस 5 out of 5, क्योंकि भैया लॉकडाउन के बाद आपको कुछ भी मिलेगा वो चीज है 5 out of 5। वो तो है यार, तो जल्दी से बस अब तो यार नमो सैंडविच पे ऑर्डर कर दो। चिकू भैया ये क्या है? यार ये है ब्रेड जलेबी, या उसको बोल सकते हैं मीठी ब्रेड। अच्छा, जिसका वीडियो तुम पहले कर चुके हो एक बार, वो आपको आई बटन में यहाँ पर या यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये आप देख सकते हो यार, इसके ऊपर जो गार्निशिंग करी गई है वो पिस्ता की करी गई है। हाँ, तुमने खोपरे की करी थी, राइट? हाँ। तो मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लग रहा है। मतलब मैं तुम्हारा अच्छा सब्सक्राइबर हूँ, व्लॉग देखता हूँ सारे। मैं भी टेस्ट करूंगा यार, थोड़ा सा बिहाइंड द कैमरा टेस्ट करूँ। भाई ये ना मतलब सीरियसली, ये मैं उस वीडियो में बोलना भूल गया था, ये पूरी मीठी जलेबी जैसा लगता है, ब्रेड के फॉर्म में आपको जलेबी मिल गई ऐसा लगता है ये। और अगर आप जलेबी मिस कर रहे हो तो जल्दी से हमारा रेसिपी वाला वीडियो देखो, अगर आप घर से बाहर से ऑर्डर नहीं करना चाहते हो तो, या तो भैया नमो पे ऑर्डर कर दो। और इसकी रेटिंग की अगर बात करें, बहुत ही शानदार, मतलब एकदम 5 out of 5 मेरी तरफ से। तो 5 out of 5 ऑब्वियसली मेरी तरफ से भी, क्योंकि यार बहुत सही टेस्ट है यार। और बस कर दो ऑर्डर यार, अब मैं क्या कितनी तारीफ करूँ यार। ये था वीडियो नमो सैंडविच का, थोड़ा सो बार बार निकले थे उसका। बिल्कुल यार, मतलब मैं यहाँ आया, तन्मय भैया के घर आया, व्लॉग हो गया, मज़ा आया। इतने दिन बाद पोहे खाए, ब्रेड बड़े खाए, मीठी ब्रेड खाई, बहुत मज़ा आया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये व्लॉग खत्म हो रहा है तो आगे क्या आएगा। ये तो व्लॉग यहाँ खत्म हो रहा है और यहीं से एक और व्लॉग चालू होगा, जो कि एकदम सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे मैंने आज सुबह इसको सरप्राइज दिया, वैसे आप लोग के लिए एक सरप्राइज और है, कि वो क्या है देखना अगले व्लॉग में, मज़ा आए। और यहाँ तक देख लिया है ना तो लाइक करना बनता है यार। तो जल्दी से वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करा है, नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए साइनिंग। क्यों भैया, पिछले व्लॉग में तो बोला था कटिंग नहीं करवानी, करवा ली ना। Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.